नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो उनकी तारीफे काबिल है। बीजेपी सरकार के पास 106 विधायक थे, पर फिर भी उन्होंने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री किसे चुना? शिवसेना से ही चुना, शिवसैनिक को ही चुना। यहाँ तक कि उन्होंने एकनाथ शिंदे को यहाँ का मुख्यमंत्री चुन डाला है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बन चुके हैं, शिवसेना से बन चुके हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में अब भी शिवसेना का ही नाम रहेगा। दरअसल बीजेपी सरकार ऐसी सरकार है जो हमेशा हिंदुत्व के रास्ते पर चली है। महाराष्ट्र में जो बाला साहब ठाकरे थे, उन्होंने शिवसेना का गठन किया, वो भी किस लिए? वो किया हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए। और बीजेपी सरकार हमेशा उन लोगों का सपोर्ट करती है जो हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, हिंदुत्व के रास्ते पर चलते हैं। बाला साहब ठाकरे के साथ मोदी जी हमेशा अक्सर दिखाई देते थे और अक्सर उनके साथ चलते थे। जिस रास्ते पर शिवसेना चलती थी बाला साहब ठाकरे के राज में, उसी जो रास्ते पर, हिंदुत्व के रास्ते पर ही मोदी सरकार भी चलती है। मोदी सरकार ने हमेशा बाला साहब ठाकरे की इज्जत की है और इसी इज्जत के चलते बाला साहब ठाकरे का ध्यान रखते हुए ही, उनके आदर्शों का ध्यान रखते हुए ही मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने यहाँ पर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे ने भी कभी भी अपने पिता के आदर्शों को समझा ही नहीं, कभी भी उन्होंने अपने पिता के आदर्शों पर चलना नहीं सीखा। तभी तो वह कुर्सी के लालच में ऐसे लोगों से हाथ मिला बैठे जिनको बाला साहब ठाकरे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। बाला साहब ठाकरे जिन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, यानी कि शरद पवार, कांग्रेस सरकार, इनसे ही उद्धव ठाकरे ने कुर्सी के लालच में हाथ मिला लिया। इसके चलते बीजेपी के साथ ही जो उद्धव ठाकरे 2019 में चुनाव जीते थे, वो बीजेपी के साथ गठबंधन में जीते थे, बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर जीते थे। पर बीजेपी को उद्धव सरकार ने, उद्धव ठाकरे ने बाद में धोखा दे दिया और शरद पवार और इसके अलावा कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, इनका और बीजेपी को धोखा दे दिया। पर बीजेपी सरकार ने फिर भी कुछ नहीं कहा। इसके बाद बीजेपी सरकार ने आज भी शिवसेना का सम्मान करते हुए एक बड़ा कदम उठाया और शिवसेना से ही एक मुख्यमंत्री को चुना। उन्होंने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। अब इससे बीजेपी सरकार की छवि भारतीय लोगों के मन में, महाराष्ट्र के लोगों के मन में और भी सुगढ़ बन गई है, बहुत ही अच्छी बन गई है, जिसका फायदा उन्हें 2024 के चुनाव में मिलेगा। 2024 के चुनाव अब दूर नहीं है और यह कहा जा रहा है कि इससे, इस कदम से बीजेपी सरकार को बहुत फायदा होने वाला है 2024 के चुनाव में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो, नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।